लखनऊ से, जहां पर राजेश्वर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। राजनीति के मैदान में उतरेंगे राजेश्वर सिंह और राजेश्वर सिंह ने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल होंगे। अब सुल्तानपुर सिटी से बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं राजेश्वर सिंह, और राजेश्वर सिंह ने 11 साल की अपनी बची हुई नौकरी छोड़ दी है। यूपी पुलिस की नौकरी छोड़कर ईडी गए थे राजेश्वर, और अब ईडी की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, बीजेपी के टिकट पर हो सकता है सुल्तानपुर से वो चुनाव लड़ें।